सभी देशवासियों से अपील है, यदि आप टीकाकरण नहीं लगवाए हैं तो एक दिन काम काज छोड़कर अपने स्वास्थ्य को लेकर कोरोना टीकाकरण जरूर करवाने निकले। नया वर्ष की आगाज हो चुकी है, हम सभी को अच्छे स्वास्थ्य के प्रति कामना करते रहना चाहिए, टीकाकरण जरूर लगवाएं। नया वर्ष एडवांस में आज सुबह टाइम टीम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी, आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सभी देशवासियों से अपील है कि जिस तरह से हम सभी लोगों ने कोरोना से सावधान रहे, उसी तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट आने से अब हम सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार एडवाइस जारी किए है कि सावधान रहें अपने स्वास्थ्य जीवन को लेकर। जिस तरह से कोरोना काल में मुंह में मास्क लगाना, सैनिटाइज करना और 3 गज की दूरियां बनाए रखा, ये सब ओमिक्रॉन में भी लोगों को परहेज जो है इसे पालन करना चाहिए। हमें डरना नहीं है, हमें सावधानी के साथ इसको आउट करना है। यह है ओमिक्रॉन और हम सभी को जो जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। कई देशों में इसकी दस्तक शुरू हो चुकी है, फिर भी हमें डरना नहीं है। सभी तरह की अच्छी कार्यशैली और सतर्कता और सावधानी के साथ इसका मुकाबला करना है और इस विजय प्राप्त करने के लिए हम सभी भारतीय एक साथ मिलकर यह सोचे समझे और यह रणनीति के साथ आगे बढ़े। नया वर्ष की आगाज हो चुकी है और इसमें सभी को स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। नया वर्ष में हंसना भी है और सभी को हंसाना भी है, इसी देशवासियों से अपील है। और आगे एक रिपोर्टिंग देखिए राजेश गुप्ता जी के खास वार्तालाप। हमारे देश में कोविड-19 के जो उदाहरण आपने देखे, प्रिकॉशन आपने देखे, सावधानियां आपने देखी, उनसे हमें बिल्कुल लापरवाह नहीं होना है। हमें बहुत जागरूकता और सतर्कता के साथ कोविड-19 के जो हमें नियम बताए गए हैं, जो सुरक्षा नियम बताए गए हैं, उनको सख्ती से पालन करने की बात है और करना चाहिए। मास्क लगाना, हाथ धोते रहना और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना, ये अति आवश्यक है। और इस चीज़ को पालन करने में हमें कभी भी हिचकना नहीं चाहिए। अभी हाल में ही एक वेरिएंट आया है कोविड-19 का नया रूप में ओमिक्रॉन, उसके लिए भी हमें इसी तरह की सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। WHO ने इस नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन रखा है, दिया है, और इसमें भी यही हिदायत दी गई है कि हमें इसी तरह के मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ बीच बीच में धोते रहने की सावधानियां करनी है, बरतनी है, जिससे कि हम इससे छुटकारा पा के अपने जीवन को स्वस्थ रख सकें, अपने देश को स्वस्थ रख सकें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने समाज को स्वस्थ रख सकें। और यही हमारी छोटी छोटी जो बातें हैं उनको अब भूलने के समय नहीं है, उनको पालन करने के समय है। पालन करने का समय के समय अगर हम पालन नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही एक विषम परिस्थितियाँ पैदा कर सकती हैं, जो हमने अभी पिछले समय में अनुभव किया है और देखी भी है। हमारे शासन प्रशासन, राज्य सरकार, भारत सरकार, अन्य एजेंसियां, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सभी लोग जो है अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चल रहे हैं। अपने अपने जो भी हॉस्पिटल्स हैं, बेड्स हैं, ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं, जो भी दवाइयों का स्टॉक है, जो भी टीकाकरण हो रहा है उस पर तेज़ी आदि आदि सभी जगह पर इसको तेज़ी से दुरुस्त करने की बात हो रही है, लोग कर रहे हैं। यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर डराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर भयभीत होने की कोई बात नहीं है,
यहाँ पर हिम्मत दिखाने की बात है, जिम्मेदारी को निभाने की बात है, अपनी हर चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से रखने की बात है और उसको समय समय पर पालन करना और समय समय पर बताने की बात है। अगर हम जो है अपनी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं तो जो कारण हमें बताए गए हैं बढ़ाने के, उनको हम सख्ती से पालन करें। कोई कारण नहीं कि हमें कोई डरा सके, बल्कि उन कारणों से हम इस ओमिक्रॉन क्या जितने भी और वेरिएंट आएंगे हम सबको हरा देंगे, बशर्ते कि हमें बैटिंग करनी अच्छी आनी चाहिए। अगर हमारी बैटिंग अच्छी है तो चाहे वो हमारी वेरिएंट के रूप में कोई भी बॉल आए, हम अपने इस स्वस्थ प्लेटफॉर्म में, स्वस्थ पिच में हम ऐसा छक्का मारेंगे, ऐसा चौका मारेंगे कि हमारी ओमिक्रॉन या उसके अलावा कोई भी वेरिएंट आता है तो वो हमारे देश की सीमा के बाहर गिरेगा जाके, और इस तरह से हम अपने भारतवर्ष को स्वस्थ रखने की पहल में एक सोच रखने की बात रखेंगे, करेंगे। हमारे विश्व के बहुत से देशों में ओमिक्रॉन के बारे में खबरें आ रही हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर हमें अपने बचाव के साथ, अपनी हिम्मत के साथ, अपनी जो दिनचर्या है उसके साथ हमें घबराना नहीं है। हमें अच्छी फील्डिंग करके, अच्छी तरह से फील्डिंग करके इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी भगाना है, आउट करना है, और इसको किसी भी तरह से डरने की बात नहीं है। आइए हम सब लोग एक बार पुनः याद करें अपने वो नियम जो हमें कोविड-19 के वेरिएंट से निकाल के अभी लाए हैं। अब हम ओमिक्रॉन वेरिएंट जो चल रहा है या आने वाला है या ऐसी संभावनाएं हैं कि वो आ सकता है, उन सभी के पहले हम इतने ज़्यादा मजबूत और सशक्त हो जाएं कि हमको जो है वो जो है किसी भी स्थिति में हमें प्रभावित ना कर सके, और हम उसको हरा के अपने स्वस्थ जीवन में भारत वर्ष के सभी नौजवानों को, सभी नागरिकों को, सभी लोगों को साथ लेकर अच्छी तरह से इस देश के विकास में लगकर सबकी मदद करें, कंधे से कंधा मिलाएं। हमारी वैसे तो सभी लोग सजग हैं, सतर्क हैं, फिर भी समय समय पर जो है याद रखना और उस याद को अपने को अपनाना वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज़ और जीत होती है। यही हमारी आप सब लोगों से एक अपील और विनती है। राजेश गुप्ता, ACCF, नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।